नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन सेज विद राइज इन टेम्परेचर डेंसिटी ऑफ अ गिवन बॉडी चेंजेस अकॉर्डिंग टू वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन. और डेंसिटी का आपने को रिलेशन दे रखा है जहाँ पे हमें रो नॉट, लेट्स अज्यूम रो नॉट आपकी ओरिजिनल डेंसिटी है, वन प्लस गामा डी थीटा, डी थीटा यहाँ पे आपका चेंज इन टेम्परेचर होएगा. नाउ ये बात अपने को पता है कि डेंसिटी जो है उसको हम लिखते हैं मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम. राइट, सो अगर इसमें हम टेम्परेचर के साथ चेंज देखेंगे सो इसको हम लिख सकते हैं डेंसिटी विल बी इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम. और क्योंकि आपका यहाँ पे लिक्विड, जब भी हम लिक्विड की बात करते हैं विद टेम्परेचर लिक्विड का वॉल्यूम एक्सपेंड होता है, उसको हम लिख सकते हैं वन प्लस गामा डेल्टा टी. मैं यहाँ पे जानबूझ के डेल्टा टी यूज़ कर रहा हूँ जिससे आपको क्लियर रहे कि ये आपका चेंज इन टेम्परेचर है. नाउ इसको आप लिख सकते हैं डेंसिटी रो विल बी इक्वल टू एम डिवाइडेड बाय वी. इसको आप लिख सकते हैं वन प्लस गामा डेल्टा टी टू द पावर माइनस वन. नाउ अज्यूमिंग यहाँ पे आपका गामा डेल्टा टी इज मच मच लेस देन वन, उस केस में यहाँ पे हम बायनोमियल एक्सपेंशन यूज़ कर सकते हैं और इसको हम लिख सकते हैं दिस विल बी रो विल बी इक्वल टू एम डिवाइडेड बाय वी मल्टीप्लाइड बाय वन प्लस गामा डेल्टा वी सॉरी डेल्टा टी. अच्छा अब ये माइनस वन जो था वो यहाँ पे आ जाएगा सो दिस विल बी माइनस वन. नाउ एम बाय वी की जो टर्म है इसको हम लिख सकते हैं आपके ओरिजिनल डेंसिटी, तो रो नॉट ये वाली वैल्यू हो जाएगी एंड दिस विल बी आर फाइनल रिलेशन. सो इसका मतलब ये है कि टेम्परेचर के साथ आपकी लिक्विड की डेंसिटी कम होती है. फॉर द ऑब्वियस रीज़न हम ये कह रहे हैं कि अगर आपका स्लाइट चेंज हुआ है तो आपका मास में कोई चेंज नहीं आया है, लेकिन क्योंकि वॉल्यूम एक्सपेंड कर गया तो आपकी डेंसिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी. सो बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं कि आपका ऑप्शन नंबर बी वुड बी द राइट आंसर.